हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KGM ग्रुप पर। दोस्तों, यह वीडियो दीक्षा ऐप से रिलेटेड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। दीक्षा ऐप से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह से दीक्षा ऐप को आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है और किस तरह से घर बैठ करके स्टडी करनी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख करके दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यह वीडियो दीक्षा ऐप में कुछ समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही है, कॉमेंट्स में काफ़ी समस्याएं बताई जा रही है, तो वो उन कमेंट्स को देखते हुए उन सभी समस्याओं के लिए मैं एक बार दोबारा से इस वीडियो जो दीक्षा ऐप पे बनाने जा रहा हूं, ताकि आप घर बैठ करके दीक्षा ऐप की सहायता से आपकी स्टडी है वो जारी रख सकें। ज़्यादातर समस्या आ रही है कि कक्षा 11 या कक्षा 12 है वो दीक्षा ऐप में आप ओपन नहीं कर पा रहे, तो आपको किस तरह से ओपन करना है वो आप ध्यान से देखिए। एक बार आपको सबसे पहले दीक्षा ऐप आपका ओपन करना है। दीक्षा ऐप आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से आपके जो होम स्क्रीन है वो दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे आपको तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें। दीक्षा पर अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें, तो ये लिंक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। यहां पर सबसे ऊपर ही ऊपर टॉप पर आप देखोगे तो आपको यहां पर जो क्लास है वो आपको लिखी हुई मिलेगी, कक्षा 1 है। थोड़ा सा आप इसको साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा कक्षा 12 के अलावा भी कुछ कंटेंट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें कक्षा 12 के बारे में, तो आपको यहाँ पर कक्षा 12 पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप कक्षा 12 पर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी वाली रो में आपको वहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो कक्षा 12 से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ई कंटेंट के रूप में पढ़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर जैसे स्क्रॉल साइड में करोगे आपको तो सारे विषय आपको काफ़ी सारे विषय आपको यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए आपको अगर मैथमेटिक्स के बारे में आपकी स्टडी करनी तो आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कक्षा 12 और कक्षा 12 का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, जो बुक्स है, जो भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देने वाला है। तो आप यहाँ पर राजस्थान बोर्ड से संबंधित बुक्स भी आपको यहाँ पर जो ई कंटेंट है वो आप देख सकते हो, और CBSE से रिलेटेड कंटेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो। इसी के साथ में आप जो भी क्लास है वो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है और आप घर बैठ करके काफ़ी अच्छी तरीके से इस ऐप के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है आपके लिए तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं उस समस्या का समाधान आपके लिए कर सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ की सहायता से कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक का जो कंटेंट है वो घर बैठ करके स्टडी कर सके। जय